नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के उस साहित्यकार के बारे में जिसने 24 वर्ष की उम्र में देश सहित विदेश में अपना डंका बजाया था। आज बात हिंदी के एक ऐसे पुरोधा के बारे में जिन्होंने अपनी पढ़ाई तो अंग्रेजी में की लेकिन वो सदा हिंदी के लिए लड़ाई लड़ते रहे और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाया। हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बने आयोग के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे प्रसिद्ध हिंदी प्रेमी अमरनाथ झा। अमरनाथ झा के हिंदी को राजभाषा बनाने के सुझाव को आयोग के अन्य सदस्यों ने भी एकमत से स्वीकार किया था और फिर बाद में इसी सुझाव पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। अमरनाथ झा ने कहा था कि हिंदी का कई शताब्दियों का अपना अनवरुद्ध इतिहास है। हिंदी कविता साहित्य को तुलसीदास और सूरदास की अमर निधियों को भी गांव की जनता पढ़ती और समझती है। उत्तर भारत में शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां शाम के पेड़ के नीचे अथवा अलाव के सहारे आप ग्रामीणों की टोली में हिंदी पाठ कविता को न होता हुआ देखते हों। प्रसिद्ध शिक्षाविद अमरनाथ झा का जन्म 25 फरवरी 1897 को बिहार के मधुबनी में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद से हुई थी। एमए की पढ़ाई के दौरान उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी में पहला स्थान प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, वे मात्र 20 साल की उम्र में थे तब वो मेयोर कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए थे। 24 साल की उम्र आते आते उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा देश के साथ ही विदेश में भी मनवाया था। यह वह समय था जब गिने चुने लोग ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते थे और इसी श्रेणी के व्यक्ति थे अमरनाथ झा। सिर्फ 24 साल की उम्र में वे लंदन के पोएट्री सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट बने। इनके इस पोस्ट पर पहुंचने की बात भारत में ही चर्चा का विषय बना बल्कि पूरे इंग्लैंड में भी इनकी बड़ी चर्चा रही जिससे अंग्रेज हैरान हो गए थे। इतनी कम उम्र में भारत का कोई नौजवान ग्रेट स्कॉलर बन सकता है? अमरनाथ झा शिक्षा के स्तंभ तो थे ही, इसके साथ ही वो एक आला दर्जे के साहित्यकार भी थे। इसी के साथ वे आला दर्जा के भाषाविद भी थे। इनकी ना सिर्फ हिंदी पर जबरदस्त पकड़ थी बल्कि संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी पर भी इनका बहुत अच्छा ज्ञान था। इन्होंने इन भाषाओं के कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी। शेक्सपियर कॉमेडी से लेकर हिंदी साहित्य संग्रह और पद्म पराग तक और लिटरेटी स्टोरीज से लेकर साहित्य गद्य रचनाकार तक में इन्होंने प्रसिद्ध किताबें लिखकर आला दर्जे के साहित्यकार में अपना नाम। समकालीन साहित्यकारों ने भी इनकी साहित्यिक रचना को खूब सराहा। हिंदी भाषा को लेकर लिखते हुए उन्होंने अपनी किताब विचारधारा के बारे में उन्होंने लिखा है कि हिंदी भाषा में एक विलक्षणता है जिसका उल्लेख आवश्यक है। हमारे ज्ञान में बहुत कम ऐसी भाषाएं हैं जिसमें महिलाओं को इतनी रचना लिखने की आज़ादी मिली जितनी हिंदी में मिली है। आधुनिक काल में तो लेखिकाओं की संख्या बहुत बढ़ी। कोई हिंदी साहित्य के इतिहास को पूर्ण नहीं कह सकता है जिसमें श्री सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री महादेवी वर्मा, श्री तारा पांडे, श्री सावित्री देवी की कृति का विवरण न हो। देश विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले और हिंदी को एक सम्माननीय स्तर तक ले जाने और उसे राजभाषा बनाने के लिए अथक प्रयास करने वाले प्रसिद्ध विद्वान एवं साहित्यकार अमरनाथ झा ने 58 साल की उम्र में 2 दिसंबर 1955 को वे इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी मृत्यु के एक साल पहले यानी कि साल 1954 में उन्हें शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध शिक्षाविद अमरनाथ झा जैसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य को बहुत ही समृद्ध करने का सराहनीय कार्य किया हो। ऐसे अमर साहित्यकार को न सिर्फ हिंदी प्रेमी के रूप में बल्कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने वाले व्यक्ति के रूप में भी हमेशा याद रखा जाएगा। आपको हम बता दें कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार यह सवाल पूछा जाता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा। आज हम आपको बता दें कि हिंदी एक राजभाषा है। अमरनाथ झा इसके एक महत्वपूर्ण सूत्रधार रहे हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।